गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग अपने थर्ड लेसन का मात्राएं खत्म कर लिए हैं। पूरी मात्राएं आपको बता दी गई है। इसके बाद अब क्या चलेंगे, बिंदु और चंद्र बिंदु पे, कि बिंदु कहाँ लगाते हैं और चंद्र बिंदु कहाँ लगाते हैं। ये आप बता सकते हैं कि मैम बिंदु कहाँ लग जाती है और चंद्र बिंदु जब आपसे कहा जाता है तो आप हम लोग ब्लैक बोर्ड देख के तुरंत लगा देते, लेकिन ये नहीं समझते कैसे लगती बिंदु और चंद्र बिंदु। तो इसको ध्यान से देखेंगे, आज हम लोग अपने बिंदु और चंद्र बिंदु को पढ़ाएंगे। तो बिंदु का सिंबल क्या होता है, ये देखिए, ये क्या है हमारा बिंदु, और ये चंद्र बिंदु क्या है, ये क्या है हमारा चंद्र बिंदु, ठीक है। तो बिंदु क्या होता है, नाशिका से मतलब जो नाक से हम लोग बोलते हैं, उच्चारित होता है शब्द, उसको क्या बोलते हैं हम लोग बिंदु, और जो मुख और नाक दोनों से उच्चारित होता है वो क्या होता है हमारा चंद्र बिंदु होता है। क्या होता है, चंद्र बिंदु, ठीक है। आप ध्यान से पढ़ेंगे, इतने पढ़ाएंगे कि बिंदु और चंद्र बिंदु को समझाना है हम लोगों को, बिंदु क्या होता है और चंद्र बिंदु क्या होता है, ठीक है। तो बिंदु को क्या बताया, बिंदु ये सिंबल है और चंद्र बिंदु का ऐसे है चांद की तरह, इसलिए इसको चंद्र बिंदु बोला जाता है। तो बिंदु में क्या है, ये हम लोग नाक से जब बोलते हैं तो हमारे नाक में से आवाज़ निकलती है, और चंद्र बिंदु क्या है, मुँह और नाक दोनों से आवाज़ें निकलती हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग चंद्र बिंदु। तो देखिए फॉर एग्जाम्पल क्या है, ये पख, अब इस पे क्या बनाएंगे, अगर हम लोग इस पे बिंदु लगा देते क्या बनाया, पंख। अब इसको आप बोल के देखेंगे कि मैम बोल रही तो नाक से आवाज निकल रही क्या, तो क्या होगा पंख, क्या हो जाएगा पंख। अब देखिए ये दूसरा वर्ड क्या है, स और ख, इस पे भी देखिए बिंदु लगा रहे तो क्या हो जाएगा, ये शंख, क्या हो जाएगा शंख, ठीक है। अब आगे आएंगे, अब ये आपको बिंदु वाला समझ में आ रहा है, पंख शंख। अब ये देखिए ये क्या है, इसमें जैसा लगता है नाक से बोलने से क्या छिपा हुआ है, न छिपा हुआ है, क्या छिपा हुआ है न, जैसे देखिए अभी बोलेंगे अंडा, क्या बोलते हैं, और अगर बिंदी न लगा तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको, अडा, क्या बोलते हैं अडा, लेकिन जब बिंदी लगा दी तो ये क्या हो गया अंडा, क्या हो गया अंडा। अब ये आपके बिंदु वाले शब्द हैं, कौन से वाले शब्द हैं, बिंदु वाले। अब आएंगे चंद्र बिंदु पे, कौन से शब्द किस पे आएंगे, चंद्र बिंदु पे। तो चंद्र बिंदु पे देखिए क्या है, ये क्या है, आ ख, आ और ख है, क्या है आख। तो अब इसमें जब चंद्र बिंदु लगाएंगे तब देखिए कैसे आवाज निकलती है इसकी, क्या हो जाएगा आंख, क्या हो जाएगा आंख, क्या हो जाएगा, देखिए अपने आप ही मुंह से नाक की आवाज निकल रही है ना, आंख। अब दूसरा वर्ड देखिए क्या है, चंद्र बिंदु को ही किस पे लगाते रहे हम लोग, चांद पे, ये क्या है चांद, ऐसे बोलेंगे तो क्या हो गया चांद, और जब इस पे चंद्र बिंदु लगा देंगे तो क्या हो जाएगा चांद, क्या हो जाएगा चांद, ठीक है। ये आपका चंद्र बिंदु का है। आगे देखिए क्या है, अब इसको आप खुद बोलिए क्या होगा, ये क्या हो सकता है, ये पाच, क्या है पाच। अब इसमें हम लोग जब चंद्र बिंदु लगा देंगे क्या हो जाएगा पांच, क्या हो जाएगा पांच, ठीक है, ऐसे चंद्र बिंदु। अब एक बार समझ लें कि हम लोग बिंदु को क्या करते हैं, फिर से एक बार बता दे रहे हैं, बिंदु नाशिका द्वारा उत्पन्न होता है, नाक से जो आवाज निकलती है उसको क्या कहते हैं बिंदु, और जो मुख और नाक दोनों से, मुंह और नाक दोनों से उच्चारित होता है शब्द, उसको क्या कहते हैं हम लोग चंद्र बिंदु कहते हैं, ठीक है। ये दोनों बिंदु और चंद्र बिंदु एकदम अच्छी तरह से पढ़ेंगे, और ये जो पेज पे लिखा गया है पूरा, इसको आप लोग अच्छे से अपने सी डब्ल्यू में, एस डब्ल्यू में केवल आपको पढ़ना है, और सी डब्ल्यू में इसको पूरा लिख के लाएंगे, ठीक है। ओके बाय।